नागपुर के मनपा आयुक्त राधाकृष्ण भी इन्होंने 4 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे ऐसी जानकारी दी। साथ ही कुछ दिशा निर्देशों का पालन भी करना पड़ेगा ये भी बताया। पाठशालाएं खोली तो जाएंगी, परंतु पालकों को अपनी जिम्मेदारी पर बच्चों को स्कूल भेजना होगा। इसके साथ ही स्कूल भी सैनिटाइज तथा सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी बातों का ख्याल रखा जाएगा। हाल ही में हुई पत्रकार परिषद में नागपुर शहर के मनपा आयुक्त राधाकृष्ण भी इन्होंने बताया कि 4 जनवरी से स्कूलों को खोले जाने की इजाजत दी जा चुकी है। साथ ही उसमें दो अहम बातों का खास करके ध्यान रखना होगा, जिसमें पहला है कि शिक्षकों को अपनी आरटीपीसीआर जांच करवानी पड़ेगी, जिसमें शिक्षकों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो ही वे रोजाना स्कूल आ पाएंगे। और दूसरी अहम बात यह कि बच्चों को स्कूल भेजने में छात्रों के पालकों की अनुमति भी आवश्यक होगी। साथ में विद्यालय को भी सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब बातों की कार्यान्वयन अपनी जिम्मेदारी से छात्रों एवं शिक्षकों को करना पड़ेगा। हाँ, 4 तारीखला आपला नागपूर शहरामध्ये शाला सुरू होण्याचे आपण परवानगी दिलेली आहे। यामध्ये महत्त्वाचे दोन महत्त्वाचे मुद्दा आहे। प्रत्येक टीचर्सला आरटीपीसीआर टेस्टचा नेगेटिव्ह रिपोर्टचं बंधनकारक करण्यात आलेले, आणि त्यामध्ये जे विद्यार्थी येतील विद्यार्थ्यांचा पालकाकडून कन्सेंट ते सुद्धा अनिवार्य करण्यात आलेले। या दोन्ही तयार झालेले घेतल्यानंतरच संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचं पुढे जाणे अपेक्षित आहे। म्हणजे एकंदरीत आपण परवानगी दिलेली आहे, त्याच्यानंतर इट्स अ व्हॉलेंटरी फॉर द इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट्स टू डू। आणि या गोष्टी करत असताना शाळामध्ये सॅनिटेशन, तिथलं ठिकाणीचं सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणे, या सर्व गोष्टींचं शाळा व्यवस्थापन समितीने काळजी घेण्यासाठी सूचना देण्यात आली। 3 दिवस शिल्लक आहे, किती शिक्षकांची चाचणी झालेली आहे, तर किती पॉझिटिव्ह आढळले शिक्षकांचं जवळपास शिक्षक आणि नॉन टीचिंग स्टाफ मिळून आहे, त्याच्यापैकी जवळपास 3300 जवळपास लोकांची टेस्ट झालेली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।